रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, आप जय भीम के नारे लगा रहे हैं, क्या आज की क्या मांग है, क्या मांगों को लेके आए हैं आप संसद भवन? बाबा साहब के संविधान का जो आरक्षण है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ मिलना चाहिए, दैट इज जय भीम ऑफ अम्बेडकर। नहीं, आप क्या अप्रोच चाहते हैं इसके अंदर, क्या हमारे क्या मेन है जो 2200 रोस्टर सिस्टम के हिसाब से आया है वो हमें वापस चाहिए। क्या चाहिए आपको वापस? 200 पॉइंट का रोस्टर जो हमारे पास लागू था वो आज कट करके वो 13 पॉइंट रोस्टर पे ला लाया है, जिससे कि हमारे पास काफ़ी भी SC ST और OBC की सीटें कम गई हैं। मतलब इसके साफ है कि भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके खिलाफ चल रहा है। ठीक, हमारे बीच में प्रोफेसर राजकुमार जी भी हैं, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि आज जो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन था, बहुत तादाद के अंदर, लाखों की तादाद में धरना प्रदर्शन था, सर आज ये धरना प्रदर्शन था किस संदर्भ में था? धरना प्रदर्शन खास तौर पे शिक्षा को ध्वस्त करने की जो मोदी सरकार की नीति है उसके खिलाफ, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स OBC के रिजर्वेशन को जो समाप्त करने का UGC का एक ऑर्डर 5 मार्च का आया उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। पूरे शिक्षक ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरे देश के अंदर आक्रोशित हैं किस प्रकार से आज पूर्व हायर एजुकेशन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारे साथ शिक्षक भी थे, हमारे साथ इसमें विद्यार्थी भी थे, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स OBC के शिक्षकों के अंदर जबरदस्त आक्रोश आज इस बात को लेकर है कि आप अभी उनकी उपस्थिति हुई भी नहीं है, अभी 5-7% मुश्किल से वो पहुंचे हैं और आप उनके रिजर्वेशन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने विषयवार रिजर्वेशन लागू करके एक जो बड़ा षड्यंत्र जो है वो किया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 20 तारीख को एक एट्रोसिटी वाला जो मैटर आया है इसको बताएं कुछ। देखिए, ये जो ऐसा लगता है कि सरकार और सरकार के और, क्योंकि सरकार के अंदर ही जुडिशरी भी सरकार के अंदर ही आती है, जुडिशरी भी, लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी, तीनों सरकार के अंदर आती हैं और वहाँ पे ब्राह्मणवादी मानसिकता बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स का कोई बंदा अगर कंप्लेन देने जाता है और उसको SSP ही उसकी जांच करके फिर FIR दायर होगी तो ये अपने आप में उनको पूरे न्यायिक व्यवस्था से बाहर निकाल देने का षड्यंत्र है। अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स का इस देश की न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ गया, इस देश की न्यायपालिका से, इस देश की पुलिस से विश्वास उठ गया तो देखिए, जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, जो जाति के आधार पर पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के अंदर अगर संवैधानिक मान्यताओं के से विश्वास उठ गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो 1949 में कहा था कि हमें संवैधानिक नैतिकता का विकास करना है, उस नैतिकता के विकास के लिए किसी न किसी तरीके से संविधान पिछले 70 साल में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स OBC के अंदर संविधान के प्रति एक लगाव उत्पन्न हुआ था। हमें ऐसा लगता है कि मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि इस संविधान को जारी रखा जाए और वो इस संविधान को तहस नहस करना चाहते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप एट्रोसिटी एक्ट की बात हो, चाहे रिजर्वेशन की बात हो, या हायर एजुकेशन को खत्म कर देने की बात हो, ये सभी कहीं ना कहीं संविधान विरोधी कार्य हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू।